हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारी ये चौथे पेपर की दूसरी क्लास है और ये बीपीएससी प्राइमरी और टीजीटी दोनों के लिए है। ठीक है, तो जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, लाइक कर देंगे। आते हैं हम आज के पहले सवाल पर। सवाल है, जो दर्जा मीर का शायरी में है वही मीर अम्मन का उर्दू नसर में है, ये कौल किसका है? ठीक है, यानी जो शायरी में जो मुकाम मीर तकी मीर को हासिल है वही मुकाम मीर अम्मन को उर्दू नसर में हासिल है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, मतलब बात यही है। तो ये किसका कौल है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी सर सैयद ने। ठीक है, सर सैयद ने कही थी कि जो दर्जा मीर का शायरी में है वही मीर अम्मन का उर्दू नसर में है। ये कौल किसका, ये बात कही है सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और कौल है, मिलता जुलता कौल है, एक और कौल है ज्ञानचंद जैन का, इसी से मिलता जुलता कौल है। और वो कौल इस तरीके से है कि मीर अगर अहले ज़बान है, मीर अगर अहले ज़बान है तो अम्मन साहिब ज़बान। मीर का मतलब मीर तकी मीर, अम्मन का मतलब मीर अम्मन। तो ये ज्ञानचंद जैन का कौल है कि मीर अगर अहले ज़बान है तो अम्मन साहिब ज़बान। ये कौल किसका है, ये बात किसने कही है? ये ज्ञानचंद जैन ने कही है। समझ आ गया ना, वो बात किसने कही है? ज्ञानचंद जैन। देखिए मिलता जुलता ही कौल है एकदम, तो दोनों कौल उसी हिसाब से आप याद कर रखिएगा। इसके अलावा जो है इसी से मिलता जुलता एक और कौल है मौलवी अब्दुल हक का। मौलवी अब्दुल हक ने वली के बारे में कहा था कि वली को उर्दू शायरी में वही मुकाम हासिल है, वली को उर्दू शायरी में वही मुकाम हासिल है जो गिलक्रिस्ट को उर्दू नसर में हासिल है। ठीक है, वली को, वली मतलब वली दखनी, वली को उर्दू शायरी में वही मुकाम हासिल है जो गिलक्रिस्ट को उर्दू नसर में, ये किसने कहा था? अब्दुल हक ने कहा था। ठीक है, तो इसको लिख करके जब याद करेंगे तभी याद होगा, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर याद रहेगा भूल जाएगा, लेकिन लिख करके जब याद करेंगे तो कई बार पढ़ लेंगे तो वो याद हो जाएगा। क्योंकि वीडियो आप एक बार देखने के बाद वीडियो स्किप कर देंगे, ख़त्म हो जाएगी, फिर अंदर चली जाती है, तो अगर आप लिखे रहेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। और फिर इसी तरीके से मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल एक है कि वली को उर्दू शायरी में वही मुकाम हासिल है जो चासर को अंग्रेज़ी शायरी में। ठीक है, वली को उर्दू शायरी में वही मुकाम हासिल है जो चासर को, चासर कौन था? चासर एक अंग्रेज़ शायर था, जो चासर को अंग्रेज़ी शायरी में। तो ये किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो आप देखिए मिलता जुलता एक चार कौल हो गया। ठीक है, सर सैयद, सर सैयद का एक कौल है जो दर्जा मीर का शायरी में है वही मीर अम्मन का उर्दू नसर में, सर सैयद अहमद खां। मीर अगर अहले ज़बान है तो अम्मन साहिब ज़बान, ज्ञानचंद जैन। वली को उर्दू शायरी में वही मुकाम हासिल है जो गिलक्रिस्ट को उर्दू नसर में, अब्दुल हक का कौल है। वली को उर्दू शायरी में वही मुकाम हासिल है जो चासर को अंग्रेज़ी नज़्म में, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। समझ आ गया ना, ये पूरा सेंटेंस लिख करके उसके सामने किसका कौल है याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, तो ये चार पॉइंट हैं। चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पर। मीर अनीस कहाँ पैदा हुए थे? मीर अनीस पैदा हुए थे फैज़ाबाद में। मीर अनीस कहाँ पैदा हुए थे? फैज़ाबाद में पैदा हुए, और इनका इंतकाल जो हुआ है वो लखनऊ में हुआ है। कब पैदा हुए थे? पैदा हुए हैं ये 1802 में। कब? 1802 में पैदा हुए हैं और 1874 में इनका इंतकाल हुआ है लखनऊ में। पैदाइश कहाँ हुई है? फैज़ाबाद में। और इंतकाल कहाँ हुआ है? लखनऊ में। समझ आ गया ना। और इनका शुमार जो होता है वो दबिस्ताने लखनऊ में होता है। अनीस व दबीर, आपने पढ़ा होगा ना, अनीस व दबीर, अनीस व दबीर, इन दोनों का ताल्लुक जो है कहाँ से है? लखनऊ दबिस्तान से है। और दोनों में अदबी चश्मक थी, अनीस व दबीर में अदबी चश्मक थी। समझ आया ना।
और देखिए अनीस पर एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी गई है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, अनीस शख्सियत और फ़न, ये किसकी किताब है? अनीस शख्सियत और फ़न, इसको लिख लीजिएगा, अनीस शख्सियत और फ़न, ये किसकी किताब है? फजल ईमान की है। किसकी? फजल ईमान की किताब है अनीस शख्सियत और फ़न, समझिए ना। तो मीर अनीस की बात हो रही थी। मीर अनीस जो है शुरू में इनका तखल्लुक हज़ी था। क्या था? हज़ी, हज़ी ये पर ज़बर है, हज़ी तखल्लुक था। हज़ी के माने होता है गमगीन, हज़ी के माने गमगीन। बाद में जो है नासिक के कहने पर अनीस ने अपना तखल्लुस बदल लिया और उसके बाद उन्होंने तख रख लिया अनीस, मतलब कि नासिक ने ही इनका तखल्लुस अनीस रखा, कहने का मतलब ये है, समझिए ना। तो मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? हज़ी था। किसके कहने पर उन्होंने तखल्लुस बदला? नासिक के कहने पर। और नासिक ने ही उनका तखल्लुस तजवीज़ किया कि मुझे अनीस प्यारा लगता है, मुझे अनीस अच्छा लगता है, तो उनका ठीक है, तो उन्होंने अपना तखल्लुस अनीस रख लिया, समझ गए ना। तो ये अनीस के माने होता है दोस्त। और पैदा कहाँ हुई है? फैज़ाबाद में। कब? 1802 में। इंतकाल लखनऊ में। कब? 1874 में, समझिए ना। इसके अलावा जो है इनका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। अनीस शख्सियत और फ़न, ये किताब है फजल ईमान की। चलिए हम आते हैं अब अगले सवाल पर। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये कौल किसका है? ये कौल किसका है? ये है प्रेमचंद का। प्रेमचंद ने खुतबा दिया था लखनऊ में जब रिफॉर्म कलम में 1936 में कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हो रही थी। लखनऊ में पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसकी सदारत प्रेमचंद ने की और उसी खुतबे में उन्होंने अपनी बात कही थी। उन्होंने कई बातें कही थी, उसमें एक ये भी है कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। हालांकि इसका जो सही सेंटेंस, सही जुमला है, हमें हुस्न का मेयार तब्दील करना होगा, इस तरीके से है। लेकिन यहाँ पूछा गया हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, किसका कौल है? प्रेमचंद का। और भी कौल कहा था कि जो है हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जो हम में हरकत व हंगामा पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगी, समझिए ना। तो ये कौल भी उनका था। इसके अलावा जो है एक और कौल है इनका, बहुत ही मशहूर कौल, कि तरक्की पसंद तहरीक का उन्वान, तरक्की पसंद तहरीक जो ये नाम रखा गया है, तरक्की पसंद तहरीक का उन्वान मेरे ख्याल से नाकिस है। ये किसने कहा था? ये प्रेमचंद का कौल, याद कर लीजिएगा कि तरक्की पसंद का उन्वान जो ये है, तरक्की पसंद तहरीक जो ये नाम लिया गया है, नाम वो मेरे ख्याल से नाकिस नाम है। तो ये हमको उन्होंने क्या कहा उससे नहीं मतलब है, उन्होंने जो कहा है सिर्फ हमको याद करना कंपटीशन के नज़रिए से, समझ आया ना। तो यही है कि हमें सॉरी तरक्की पसंद तहरीक का उन्वान मेरे ख्याल से नाकिस है, ये किसका कौल है? ये है प्रेमचंद का कौल है, समझिए ना, ये प्रेमचंद का कौल है। 1880 में पैदा हुए थे बनारस में और 1936 में इनका बनारस में ही इंतकाल हुआ। इसके अलावा इन एक रिसाला निकाला था हंस के नाम से और एक अखबार निकाला था जागरण के नाम से और इनका एक प्रेस था। प्रेस कहाँ था? प्रेस बनारस में था, सरस्वती प्रेस, जो है फिराक गोरखपुरी के इश्तराक से उन्होंने उसको शुरू किया था, समझ गया ना। ये हैं प्रेमचंद। चलिए हम आते हैं अब अगले सवाल पर। सहरुल बयान किस फरमा रवा के दौर में लिखी गई? किस बादशाह के दौर में लिखी गई सहरुल बयान? आसिफुद्दौला। मीर हसन की एक बहुत ही मशहूर मसनवी है, उसका नाम है सहरुल बयान और ये सहरुल बयान उनकी आखिरी मसनवी है। मीर हसन ने कुल 12 मसनवियाँ लिखी थी और ये सहरुल बयान है ये उनकी आखिरी मसनवी है। इस मसनवी को लिखने में उन्होंने जो है बहुत ही मेहनत की थी। उन्होंने खुद कहा कि मैंने जो है एक लंबा अरसा इसको लिखने में सर्फ किया अपना और ले जा कर के आसिफुद्दौला के दरबार में पेश की, लेकिन जो है उन्होंने जो है उस पर बहुत ज़्यादा इनाम वगैरह नहीं दिया, बस एक शाल इनायत फरमा दी, समझ में आ गया ना। तो ये सहरुल बयान, सहरुल बयान के माने होता है बयान का जादू। इसके माने क्या होता है? बयान का जादू। और सहरुल बयान एक इस्म बा मुसम्मा नाम है, यानी जैसा नाम वैसा काम,
और इसके जो किरदार हैं बेनज़ीर, बद्र मुनीर, बेनज़ीर हो गया, बद्र मुनीर हो गया, फिर हो गया फिरोज़ शाह, और फिर नजमुन्निसा। एक मसूद शाह के नाम से भी एक किरदार है, और एक ऐशबाई तवायफ भी रहती है इसमें, समझ गया ना। तो ये सब इनके किरदार, ये सब इसमें किरदार आ गए। और इसमें जो मुआशरत शहरुल बयान में जो मुआशरत पेश की गई, जो कल्चर पेश किया जो गया है, जो उसकी तहजीब पेश की गई है, उसमें कहाँ की झलकियाँ आते हैं, दिखाई देती हैं, यानी उसमें जो झलकियाँ पेश आई हैं सब दिखाई देती हैं। ये ईरानी है, कहाँ की झलकियाँ, ये ईरानी झलकियाँ हैं, ईरानी मुआशरत पाई जाती है इसमें, समझ आ गया ना। लिखी तो लखनऊ में है, लिखी गई है लखनऊ में, उससे नहीं मतलब, लेकिन इसमें जो जो तहजीब पेश की गई, जो उसका कल्चर पेश किया गया है, वो कहाँ का पेश किया गया है, वो ईरानी, ईरानी अनासिर पाए जाते हैं, समझ आ गया ना। तो ये सवाल पूछा गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा शहरुल बयान। क्लियर हो गया ना। तो शहरुल बयान एक इस्म बा मुसम्मा नाम है, और ये आसिफ उद्दौला के ज़माने में लिखी गई है, और इसमें ईरानी मुआशरत पाई जाती है। ये जो बेनज़ीर, बद्र मुनीर, फिरोज़ शाह, नजमुन्निसा हैं, ये सब क्या हैं, ये ईरानी मुआशरत से ताल्लुक़ रखते हैं, समझ आ गया ना। जो हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर होता है, जो हिंदुस्तानी होता है, उसमें जैसे राजा इंदर है ना, या कदम राव पदम राव जो लिखी गई थी, तो ये जो हिंदू तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हिंदुस्तानी कल्चर में आता है, ठीक है। आप उनकी मसनवी है दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम, उसमें देखेंगे, उसमें ईरानी और देवमालाई अनासिर दोनों पाए जाते हैं उस मसनवी में, क्योंकि उसमें राजा इंदर, चित्रसेन, चित्रावत ये सब भी हैं, फिर ताजुल मलूक, ज़ैरुल मलूक, दिलबर बेसुवा, फर्रुख वगैरह हैं। तो उसमें गुलजार नसीम में दोनों मुआशरत पाई जाती है, ईरानी वो हिंदुस्तानी, और इस शहरुल बयान में ईरानी, समझ आ गया ना। अब समझ आ गया होगा। तो ये सारे किरदार हैं, और इसमें ईरानी मुआशरत पाई जाती है, और आसिफ उद्दौला के ज़माने में लिखी गई, 1199 हिजरी में। हिजरी ज़रूर याद रहे, सन तो रट के याद कर लेंगे, हिजरी भी याद रहना चाहिए। 1199 हिजरी में लिखी गई है, यानी ये हो जाएगा 1784। क्लियर। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। कौन सी नज़्म इकबाल की तसनीफ़ नहीं है, यानी इनमें से कौन सी नज़्म अल्लामा इकबाल की नहीं है। तो तुलुए इस्लाम तो है, ये बागे दरम शामिल है। इश्क और मौत ये भी है, ये भी बागे दरम शामिल है। ये लॉर्ड टेनिसन की नज़्म से माखूज है। अल्लामा इकबाल ने लॉर्ड टेनिसन, एक अंग्रेज़ शायर था, उसकी नज़्म को पढ़ा, और उसको जो है अखज़ करके, यानी वही बातें इन्होंने उर्दू में लिख दी है। इश्क और मौत उसका नाम रखा। तो ये इसका माखज़ क्या है, ये है, ये माखूज है लॉर्ड टेनिसन से, लॉर्ड टेनिसन की नज़्म से, समझ आ गया ना। और मस्जिद कुर्तबा ये भी अल्लामा इकबाल की है, ये बाले जिब्रील में शामिल है। इसके अलावा ये दो दो इश्क है, ये फैज़ की नज़्म है। किसकी है, ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है, समझ आ गया ना। तो पूछा कौन सी नज़्म अल्लामा इकबाल की नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा दो इश्क, ये फैज़ की है, समझ आ गया ना। अल्लामा इकबाल को तर्जुमान हकीकत भी कहा जाता है। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। ये बहुत ही अहम सवाल है कि गज़ल किस शायर का मजमूआ कलाम है। गज़ल, गज़ल किस शायर का मजमूआ कलाम है। तो ये गज़ल है मजरूह सुल्तानपुरी का। गज़ल यही नाम ही है उसका, इनके शेरी मजमूआ का नाम ही है गज़ल। और इसके अलावा एक और है दीवान, किसका शेरी मजमूआ है। आप कहेंगे गज़ल दीवान, तो दीवान, दीवान नासिर काज़मी का है। दीवान किसका शेरी मजमूआ है, नासिर काज़मी का। गज़ल किसका शेरी मजमूआ है, मजरूह सुल्तानपुरी का, समझ आ गया ना। ये आज़मगढ़ में पैदा हुए थे, मजरू सुल्तानपुरी कहाँ पैदा हुई है, आज़मगढ़ में। इसरारुल हसन खान नाम था इनका, ठीक है, इसरारुल हसन खान इनका नाम था। अब ये जो गज़ल लिखी है, ये इनका जो शेरी मजमूआ है गज़ल, एक मिनट, इनका ये जो शेरी मजमूआ गज़ल है, गज़ल का मुकदमा किसने लिखा था, ये बहुत पूछा जाता है और अहम सवालों में शुमार होता है। गज़ल का मुकदमा, गज़ल का मुकदमा लिखा था अली सरदार जाफरी ने, अली सरदार जाफरी ने इसका मुकदमा लिखा था, ठीक है। और पूछा जाए कि गज़ल का पेशे लफ्ज़ किसने लिखा था, पेशे लफ्ज़, गज़ल का पेशे लफ्ज़ लिखा था काजी अब्दुल गफ्फार ने, किसने,
काजी अब्दुल गफ्फार, ये सब याद करने वाली बात है, ठीक है, ये सब याद करने वाली बात है, इसको याद कर लीजिएगा। तो गजल, गजल किसका शेरी मजमुआ है? गजल है मजरू सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ, समझ आ गया ना? गजल मजरू सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है, और गजल का मुकदमा अली सरदार जाफरी ने लिखा, और इसका पेशे लफ्ज लिखा है काजी अब्दुल गफ्फार। काजी अब्दुल गफ्फार जिन्होंने दो नावल इनके बहुत मशहूर हैं, लैला के खतूत, मजनू की डायरी, ठीक है, काजी अब्दुल गफ्फार का है लैला के खतूत, मजनू की डायरी, वो काजी अब्दुल गफ्फार का नावल है, समझ आ गया ना? और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, और उसमें किरदार आया लैला के खतूत में, एक किरदार आया लैला, मजनू की डायरी में किरदार आया मजनू, है ना? दोनों अलग अलग नावल है, लैला के खतूत, मजनू की डायरी। तो काजी अब्दुल गफ्फार जो हैं वो लैला और मजनू किरदार के खालिक हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए लैला वो मजनू किरदार के खालिक कौन है, तो काजी अब्दुल गफ्फार। जैसे मुश्ताक यूसुफी को आप पढ़ेंगे, उनकी तहरीरों में अक्सर अब्दुल वदूद बेग का नाम आता है, तो वो जो है मुश्ताक अहमद यूसुफी अब्दुल वदूद बेग किरदार के खालिक हैं, समझ आए ना? जैसे अख्तर शीरानी, ठीक है, अख्तर शीरानी सलमा किरदार के खालिक है। अख्तर शीरानी की शायरी में जो है जगह जगह पे सलमा नाम आता है, तो वो सलमा किरदार के खालिक हो गए। इसी तरीके से काजी अब्दुल गफ्फार की बात हो रही है, काजी अब्दुल गफ्फार लैला वो मजनू किरदार के खालिक हैं, समझ आ गया ना? चलिए ये हो गया, तो गज़ल के बारे में आप जान गए। गज़ल जो है मजरू सुल्तानपुरी का शेरी मजमूआ है, इसका मुकदमा अली सरदार जाफरी ने लिखा, पेशे लफ्ज़ लिखा है काजी अब्दुल गफ्फार ने, क्लियर हो गया ना? और मजरू सुल्तानपुरी का जो असल नाम है सरारुल हसन खान। मजरू सुल्तानपुरी जो थे इनको अल्लामा इकबाल सम्मान मिला था, कौन सम्मान मिला था? इकबाल सम्मान, इकबाल सम्मान मिला था। और इसके अलावा इनको एक और इनाम मिला था, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जैसे साहित्य का, लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, उर्दू अदब में अभी तक 4 लोगों को मिल चुका है, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड। उसी तरीके से फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। और मजरू ने एक एक गाना लिखा था, एक एक नगमा लिखा था कि फिल्म दोस्ती थी, फिल्म दोस्ती का नगमा लिखा था, चाहूँगा तुझको सांझ सवेरे। उस गाने पर, उस नगमे पर उनको जो है कौन सा इनाम मिला था? दादा साहब फाल्के का अवार्ड। तो ये सारी बातें याद रखनी चाहिए। एक बार सवाल पूछा गया था कि मजरू सुल्तानपुरी को जो है फिल्म दोस्ती के नगमे चाहूँगा तुझको सांझ सवेरे पर कौन सा इनाम मिला था? दादा साहब फाल्के, फिल्म दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, समझिए ना? और अल्लामा इकबाल अवार्ड भी मिला था। अल्लामा इकबाल अवार्ड जो मिला ये 1992 में मिला है, 1992 यानी 92 में मिला ये, और ये 93 में मिला था दादा साहब फाल्के, समझिए ना? तो ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा लिख करके। अब अगला सवाल है, बादशाही से फकीरी का है पाया वाला, बोरिया छोड़ के क्या तख्त सुलेमा मांगूं, ये किसका है? आतिश का है, ठीक है, किसका शेर है? आतिश है। आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़ कहा जाता है, आतिश का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है, ठीक है, और आतिश की नासिक से अदबी चश्मक थी, जिसको अदबी डिक्टेटर कहा जाता है, दुमकटा भैंसा, किसे कहा जाता है? नासिक को। इनकी जो चश्मक थी किससे? नासिक से। और इन दोनों का शुमार किस दबिस्तान में होता है? दोनों का शुमार जो होता है वो लखनऊ के दबिस्तान में होता है, दोनों में चश्मक थी, समझिए ना? उर्दू शायरी का हाफिज़ किसे कहा जाता है? आतिश को कहा जाता है। आतिश ने शायरी को मुरस्सा साजी का नाम दिया, बंदिशे अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने शायरी को मुरस्सा साजी का नाम दिया, किसने? आतिश ने, समझिए ना? तो ये आतिश की बात हो रही थी, तो ये शेर किसका है? आतिश का है। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर, गोपाल कृष्ण गोखले का मरसिया किसने लिखा? हालांकि इसके बारे में पिछले वीडियो में बात हो चुकी है, फिर देख लीजिए कि चकबस्त, चकबस्त का जो शख्सी मरसियों का मजमूआ है उसका नाम है सुबह वतन। क्या नाम है? सुबह वतन नाम है, और इसमें 9 शख्सी मरसिये शामिल हैं, यानी 9 लोगों के शामिल हैं। उसमें
गोपाल कृष्ण गोखले का मर्सिया है, बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है। तो इन लोगों का जो मर्सिया है मशहूर है, तो ये किसने लिखा है? गोपाल कृष्ण गोखले का मर्सिया, बिरिज नारायण चकबस। ये कौमी शायर हैं, ठीक है। बिरिज नारायण चकबस जो है ये कौमी शायर हैं, और ये बहुत ही बड़े वकील थे, वकालत का पेशा अख्तियार किया था, बहुत ही शहर के नामवर वकीलों में इनका शुमार होता था, लेकिन शायरी की तरफ आ गए, वो सब छोड़ दिए। क्लियर हो गया ना? तो गोपाल कृष्ण गोखले का मर्सिया किसने लिखा? चकबस ने। चकबस के शख्सी मर्सियों का मजमूआ सुबह वतन है। सुबह वतन में कितने शख्सी मर्सी है? 9, ठीक है। ये चीज़ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कुतुब मुश्तरी, कुतुब मुश्तरी किस सन में तसनीफ़ हुई? कुतुब मुश्तरी ये लिखी गई है 1609 हिजरी, 1018 ये हिजरी हो गया, ठीक है। ये लिखी गई है 1018 हिजरी में या 1609 ईस्वी में। कुतुब मुश्तरी किसने लिखी है? मुल्ला वजही ने लिखी है, ठीक है। किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी थी? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। इसमें जो है कुली कुतुब शाह और यानी इनमें कुतुब और मुश्तरी के इश्क का वाक़या दर्ज है, और ये मसनवी उन्होंने 12 दिन में लिखी थी वजही ने। कितने? 12 दिन में। और इसमें कुल कितने किरदार आए हैं? 12 किरदार, और सभी किरदारों का नाम सितारों के नाम पर रखा गया है, ठीक है। जैसे जो आसमान में तारे होते हैं, ग्रह जिसे कहा जाता है, मिर्रीख हो गया, ठीक है, और कुतुब हो गई, मुस्तरी हो गई, सिलखन परी, मेहताब परी, ये सब क्या है? मेहताब, सिलखन, कुतुब, ये सब तारे हैं। तो आसमान में जो तारे हैं तो उनके नाम के मुआसलत से इसमें नाम रखा गया है किरदारों का। तो किस मसनवी के किरदारों का नाम सितारों के नाम पर रखा गया है? कुतुब मुस्तरी। कुतुब मुस्तरी कितने दिन में लिखी गई? 12। कितने किरदार हैं? 12। कब लिखी गई है? 1609 ईस्वी या 1018 हिजरी। किसने लिखी है? वजही ने। किसकी फरमाइश पर? कुली कुतुब शाह की। समझ गए ना? चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पर। महजबी किस मसनवी का किरदार है? इसके बारे में भी कल वाले वीडियो में थोड़ी सी बात हुई थी। महजबी ये मसनवी, ये जहर इश्क का किरदार है। मिर्ज़ा शौक ने 3 मसनवियाँ लिखी हैं, जहर इश्क, फरेब इश्क, बहार इश्क, समझिए ना। तो इसमें एक किरदार है महजबी। किरदार क्या है? महजबी। एक ही किरदार इसमें है, और जो हीरो रहता है वो सौदागर का बेटा रहता है, उसमें कहीं नाम नहीं आया है। तो एक ही किरदार इसमें है महजबी, ये रहती है हीरोइन रहती है, और ये इश्क का मामला कुछ रहता है, और फिर ये है ये महजबी जहर खा करके मर जाती है, तो उस मुनासिबत से इसका नाम रखा गया जहर इश्क। समझ आ गया ना? तो जहर इश्क इसका मरकजी किरदार है, और इसको लिखा है किसने? मिर्ज़ा शौक ने। और इस मसनवी की एक और खासियत है कि इसमें माफूकुल फितरत बातें नहीं हैं। और मसनवी हम देखेंगे इसके अलावा और देखेंगे, तमाम मसनवियों में माफूकुल फितरत बातें, झूठी बातें, फर्जी बातें, सारी चीज़ें उसमें बयान की जाती हैं। जिन परी बादशाह की तमाम चीज़ें, तमाम बातें होती हैं, लेकिन इसमें, इस मसनवी में ऐसी कोई बात नहीं है, यानी फर्जी बातें नहीं हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपको मालूम रहना चाहिए। क्लियर हो गया ना? तो ये तो बात हो रही थी महजबी। फिर हम आते हैं अगले सवाल पर। शेख वजूदी, शेख अली वजूदी है पूरा नाम, किस नावल का किरदार है? शेख अली वजूदी ये है फिरदौसे बरी का किरदार, ठीक है। शेख अली वजूदी ये है फिरदौसे बरी का किरदार। इसके अलावा जो है हुसैन और ज़मुर्रद भी इसके किरदार हैं, हुसैन और ज़मुर्रद भी इससे इसके जो है अहम किरदार हैं। और फिरदौसे बरी 9 अबवाब पर है, 1899 में लिखी गई है, ठीक है। अब्दुल हलीम शरर ने लिखा, किसने लिखा है? अब्दुल हलीम शरर ने इसको लिखा है। ये एक तारीखी मसनवी है। किस तरीके की है? ये तारीखी मसनवी है। इसमें एक फ़र्जी जन्नत का किस्सा बयान किया गया है। बुनियादी तौर पर इतना मालूम रहना चाहिए फिरदौसे बरी के बारे में, बुनियादी तौर पर इतना मालूम रहना चाहिए, ठीक है। तो फिरदौसे बरी नावल किसका है? अब्दुल हलीम शरर का है। कितने अबवाब में? 9। कब लिखा गया? 1899। किस तरीके का नावल है? तारीखी नावल है। क्या बयान किया गया मौजू? इसमें फ़र्जी जन्नत का किस्सा बयान किया गया है। और शेख अली वजूदी
और हुसैन, जमुर्रद, ये सब इसके जो है किरदार है। समझ आ गया ना। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।